आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, किस जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं पाई जाती हैं? चार ऑप्शन समय दिए हुए हैं, जिंगो में, टेक्सस में, नीटम में या उपरोक्त सभी में। तो देखिए कौन से जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं उपस्थित होती है। देखिए जेंटोफाइटा जो है, जेंटोफाइटा जिम्नोस्पर्म में सहवनी पौधों का, इसका सहवनी पौधों का एक छोटा समूह है। देखिए ये वंश जो है जीवाश्म रिकॉर्ड में प्रारंभिक कैट्रेशियंस से मिलता है। किससे? प्रारंभिक कैट्रेशियस से ये मिलता है, ठीक है, जीवाश्म रिकॉर्ड में। और व्यापक रूप से फूलों के पौधों का, देखिए ये है व्यापक रूप से फूलों के पौधों का निकटतम रिश्तेदार माना जाता है। देखिए सभी जेंटोफाइट्स की एक विशिष्ट विशेषता होती है कि उनके जाइलम, इनकी एक विशिष्ट विशेषता होती है कि इनके जाइलम उत्तक में ट्रेगिड्स और वाहिकाएं दोनों की उपस्थिति होती है। जाइलम उत्तक में ट्रेगिड्स और वाहिकाएं दोनों की उपस्थिति है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि जेंटोफाइटा फूलों के पौधों का पूर्वज है, ठीक है। देखिए अन्य सभी जिम्नोस्पर्म यानी जेंटोफाइट्स को छोड़कर, केवल ट्रेगिड्स होते हैं, उनमें वाहिकाएं नहीं होती है। अन्य जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। देखिए अगर जेंटोफाइटा की बात करें तो इसमें तीन जेनेरा होते हैं, एफिडेरा, नीटम और वेलवेस्टेरिया। यानी इसमें नीटम इसका एक जेनेरा है जिसमें ट्रेगिड्स और वाहिकाएं, जिसके जाइलम उतक में ट्रेगिड्स और वाहिकाएं दोनों उपस्थित होती हैं। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा कि किस जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं उपस्थित होती है। तो देखिए नीटम जिम्नोस्पर्म है जिसमें वाहिकाएं उपस्थित होती है, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।